नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं अफरोजी टीम 24 न्यूज में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश हैं देश दुनिया के हालात से जुड़ी खबरें और उन पर उर्दू अखबारों के तबसरे। उर्दू अखबारों ने कांग्रेस की यात्रा और कांग्रेस के प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर के काफी खबरें छापी हैं। इस सिलसिले में अखबार ने कई ऐसे अहम पहलुओं पर रोशनी डाली है जो इस तरीके से हैं कि कांग्रेस की प्रेसिडेंट के इलेक्शन की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और खास उम्मीदवार में शशि थरूर और अर्जुन खड़गे जो है वो आमने सामने होंगे। बहरहाल इलेक्शन तो अब 17 अक्टूबर को होगा और उसमें क्या क्या कौन किसकी तरफ से वोटिंग करेगा क्या होगा तो रिजल्ट बाद में आएगा। इसके अलावा कांग्रेस ने की जो भारत यात्रा निकली है उस पर को भी काफी जोर शोर से चलाया जा रहा है और राहुल गांधी काफी जो है जोश में दिख रहे हैं और उनकी तमाम तकरीरों को अखबार खूब गहराई से छाप रहे हैं, खूब एक एक पहलू पर जो है रोशनी डाल रहे हैं। तो इस सिलसिले में अखबार ने कांग्रेस की पैदल यात्रा में राहुल गांधी के कई बयान ऐसे छापे हैं कि वो काफी चौंकाने वाले हैं। इसमें उन्होंने भाजपा ने भाजपा की सरकार को लेकर के राहुल गांधी ने जो भी अपने सख्त तल्ख नजरियों को पेश किया है उसमें उसने कर्नाटक की भाजपा की सरकार की काफी जो है मजम्मत की है और काफी उसको निशाने पे लिया है। कहा है कि यहाँ पर नौकरियां दिलाने पर जो है अब कमीशन तय है और दरोगा की नौकरी के लिए 80 लाख से 1 करोड़ तक की वसूली की जा रही है। यानी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जो है अब लोगों को नौकरी देने में भी पैसा ले रही है और खुल्लम खुल्ला पैसा ले रही है और नौकरियां नीलाम की जा रही हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यही नहीं कि बाकी तमाम मामलात में भी यही हो रहा है, ठेकेदार हो कोई भी हो कोई सरकारी काम हो उसकी हर चीज की रकम तय है कि इतना पैसा देंगे तो काम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सारी शिकायतें मुझसे आवाम ने की हैं जो जिसको लेकर के मुझे बेहद अफसोस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने को साफ पाक होने का दावा करती है उसकी हुकूमत में इस तरह का काम हो रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के दौरान कर्नाटक सरकार के वजीर आला को लेकर के काफी कुछ इल्जाम पहले भी लगा चुके हैं। उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार एकदम नीचे से ऊपर तक पूरा सूबा उसमें डूबा हुआ है, कहीं पर जो है इंसान जो है राहत की सांस नहीं ले पा रहा है, सरकार हर जगह पर जो है वो वसूली राज चल रहा है, अब नौकरियां बेची जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अभी जो है जिस तरीके की शिकायतें सामने आ रही हैं उसमें जो है ठेकेदार जो है परेशान घूम रहे हैं, किसी भी सरकारी काम को होना है तो उसमें कमीशन दीजिए तब बात आगे बढ़ेगी, तो बाकायदा एक तयशुदा रकम लेकर के नौकरियों को बाकायदा बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें मुझे कर्नाटक के लोगों का साथ देने के लिए अब अपने आंदोलन में इस मुद्दे को उठाना पड़ रहा है। इसके साथ ही उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि चूंकि अब उसकी कोई सियासत बची नहीं है इस तरीके से वो कर्नाटक की हुकूमत पर तमाम इस तरह के इल्जाम लगा रही है, जबकि उसकी हुकूमत जब यहाँ थी तो वो खुद इस तरह के भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, अब अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत पर इस तरह का निशाना साध रही है। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के रायचूर से एक बयान में वहां के वजीर आला मुंबई ने ये इल्जाम लगाया है कि चूंकि कांग्रेस के लीडर के पास अब कोई काम नहीं है और उनकी सियासत खत्म हो चुकी है और उन्होंने ये भी तंज किया कि कांग्रेस एक डूबा हुआ जहाज है, उसकी जो भारत यात्रा है वो महज एक दिखावा है और इसमें किसी गरीब मजदूर किसान किसी का भला नहीं होने वाला है, कोई छोटी जात का जो परेशान हाल इंसान है उसका कोई भला होने वाला नहीं है, कांग्रेस महज दिखावे के लिए कर रही है। दरअसल कांग्रेस की इसके पीछे राहुल गांधी को स्थापित करने की कोशिशें की जा रही है, चूंकि कांग्रेस अब एकदम खात्मे पर है तो अब राहुल गांधी के पास कोई वो नहीं बची है, मंच नहीं बचा है, तो भारत यात्रा निकाल करके अब उनको जो है कांग्रेस में स्थापित करने की कोशिश नाकाम कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये कोशिश उनकी कभी कामयाब नहीं होगी। मुंबई ने राहुल गांधी पर इसी तरह के तमाम इल्जाम लगाते हुए कांग्रेस को काफी निशाने पर लिया। बहरहाल कांग्रेस के इस तरह के इल्जाम में कहां तक हकीकत और सच्चाई है इस बारे में तो खुद कांग्रेस ही जानती है, मगर
भारतीय जनता पार्टी भी उसे हर तरफ से घेर करके अपने निशाने पर ले रही है और कह रही है कि कांग्रेस जो है अब खत्म हो गई है और वो जनता को गुमराह कर रही है। और उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मियां बीवी के बीच घरेलू मामले मसले को लेकर झगड़ा होने या कोई तल्ख बात हो जाने पर, खटास आ जाने पर, दोनों के अलग रहने पर, शौहर के दूसरी शादी कर लेने पर अपना एक फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिलसिले में मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि शौहर जो है वो अपनी बीवी से छिपा करके दूसरी शादी नहीं कर सकता, उसे इसकी इत्तला देनी चाहिए। और कुरान की रोशनी में कोर्ट ने शौहर को इस बात से आगाह किया कि वो चूंकि अपनी पहली बीवी और बच्चों के लिए पूरे हक को अदा करे और उसमें उसको जो है उसमें कोई कमी ना हो, इस तभी वो दूसरी शादी का हकदार हो सकता है। कुरान की रोशनी के मुताबिक आदमी दूसरी शादी तीसरी शादी कर सकता है, लेकिन उसको इसके लिए अपनी पहली बीवी की रजामंदी ज़रूरी है। और उसमें कहा गया है कि अगर आदमी दो तीन शादियां करता है और सभी के साथ इंसाफ कर सकता है तो ज़रूर करे, और नहीं कर सकता है तो वो इससे मना कर दे, ये गुनाह है, इसको नहीं इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो इस तरह के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बताया है कि शौहर ने दूसरी शादी जो की है उसको इसका कोई भी जवाब हासिल नहीं है कि वो दूसरी शादी कर ले। तो इस मामले को लेकर के शौहर की तरफ से पहले फैमिली कोर्ट में ये मामला दिया गया था कि उसकी शादी जो है 1999 में हुई थी और बीवी से किसी मामले को लेकर के दूरी हो गई थी, तो उसमें जो है तल्ख बातें सामने आई थी कि साथ रहना मुश्किल हुआ था। तो उसने उसी दौरान बीवी के बताए बगैर दूसरी खातून से शादी कर ली थी और दूसरी शादी को उसने छिपाए रखा, लेकिन मगर जब ये राज सामने आया तो इस दलील को पेश नहीं कर सका कि उसने ऐसा क्यों किया है। शौहर के दूसरी शादी करने का राज खुलने पर जब बीवी को पता चला तो बीवी अपने 92 साल के बूढ़े बुजुर्ग वालिद के पास रहने चली गई। तो शौहर ने फैमिली कोर्ट में दरख्वास्त लगाई कि मेरी पहली बीवी को भारतीय कानून के तहत साथ में रखने और उससे जो है रिश्ता कायम करने का मुझे हक हासिल है, तो हमारी बीवी को हुक्म दिया जाए कि हमारे साथ आके रहे। फैमिली कोर्ट ने भी कुरान की रोशनी में बताया कि इस्लामी नुक्ते नज़र से क्या मुमकिन था और क्या मुमकिन नहीं है। उस पर बताया कि चूंकि पहली बीवी को बताया नहीं, दूसरे बच्चों की कफालत नहीं कर पा रहे, उनको उनकी परवरिश का जिम्मा नहीं उठा रहे हैं, तो उन्होंने दूसरी शादी का ही हक नहीं हासिल था, उन्होंने दूसरी शादी की क्यों, और कोर्ट ने पूरे मामले को खारिज कर दिया है। तब ये मामला हाई कोर्ट में लेकर के पहुंचे। हाई कोर्ट ने भी फैमिली कोर्ट के मामले को बहाल रखते हुए कहा कि कुरान की जो हिदायत हैं उसके अमल के मुताबिक पहली बीवी के रहते हुए बगैर उसकी रजामंदी के दूसरी शादी नहीं की जा सकती, ये नाजायज है। और इस तरह की कोर्ट जो है इस मामले में आगे कोई सुनवाई नहीं करेगी, इस तरीके से कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया। और उधर मुंबई से खबर के मुताबिक एक बस में आग लगने से जबरदस्त हंगामा खड़ा हो गया, मगर सारे सवार मुसाफिरों को आग से बचा लिया गया। दरअसल ये बस मुंबई के भिवंडी से के एक गांव से पुणे की तरफ जा रही थी और पुणे में वो एक दर्शन स्थल पर उन लोगों को दर्शन के लिए ले जा रही थी। इस पर 27 लोग सवार थे। बस को चलते वक्त ये एहसास नहीं हुआ ड्राइवर को कि इसमें कोई कमी है कि आग लग जाएगी, लेकिन बस चलती बस में जब राहगीरों ने देखा कि इसमें धुआं काफ़ी निकल रहा है तो उसके बराबर एक मोटरसाइकिल सवार ने आकर के ड्राइवर को बताया कि गाड़ी के भीतर पीछे बहुत धुआं निकल रहा है, आग लग सकती है। ये सुनते ही ड्राइवर ने बस को एक महफूज जगह पर रोका और सारे 27 मुसाफिरों को उतार करके उनकी जान बचा ली। तो इस तरीके से जो है एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। और इस तरीके से बस जैसे ही सारे मुसाफिर उतरे हैं बस आग के एक गोले के हवाले हो गई।
और ये देख करके लोग सहम उठे कि ऊपर वाले ने उनको बचा लिया। अगर ये पता न चलता, राहगीर न देखते और सन्नाटे की तरफ से बस जा रही होती तो यकीनन कोई बड़ा हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। और अब कुछ गैर मुल्क खबरों पर तबसरा। पाकिस्तान के पेशावर के कोर्ट ने वहाँ की एक खातून को, उनके शौहर को, अफगानी शौहर को वहाँ की सिटीजनशिप न मिलने पर शिकायत की थी कोर्ट से। कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई की जिसमें पाया कि अफगानी शौहर जो है वो अपने जौजा के साथ, अपनी बीवी के साथ पाकिस्तान में ही रह रहा है और दूसरे जगह पर नौकरी करके अपने बच्चों को पाकिस्तान में रख के पाल रहा है। तो इस तारीख उसको देखते हुए, पहलुओं को देखते हुए कोर्ट ने उनके शौहर को पाकिस्तानी शहरियत देने का हुक्मनामा जारी कर दिया। अब हो ये रहा था पाकिस्तान में कि अभी तक अगर कोई लड़की शादी करती, लड़का शादी करता था गैर मुल्की लड़की से तो उसको वहाँ की शहरियत मिल जाती थी, मगर लड़की अगर गैर मुल्की लड़के से शादी करती थी तो उसको शहरियत आसानी से नहीं मिलती थी। तो इस सिलसिले में अब बाकी लोगों का भी रास्ता साफ हो गया है। अब इस खातून की तरफ से जो मुकदमा पेश किया गया था उसमें कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ये गलत है, अगर इसका शौहर पाकिस्तान ही में आके रह रहा है तो उसको यहाँ की शहरियत, यहाँ की नागरिकता, सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से उसको अब इंसाफ मिल गया है और जो लंबी उसकी जो कानूनी लड़ाई लड़ रही थी कि शौहर को यहाँ की शहरियत हासिल नहीं है, तो अब उस मसले में उसको बड़ी राहत मिल गई। तो दोस्तों, आज के तबसरे को इतना ही ख़त्म करते हैं। दीजिए इजाज़त, आदाब।